अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की हरकत नापाक हरकत देखने को मिली है। पीएलए ने 17 साल के भारतीय बच्चे को अगवा कर लिया है। अपर सियांग जिले के मेराम तारोंग को अगवा किया गया है। सांसद तापिर गाओ ने केंद्र सरकार से अपील की है, बच्चे को चीनी सेना के चंगुल से जल्द रिहाई की मांग की है। तो इस बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिससे सांसद तापिर गाओ ने केंद्र सरकार से अपील की और जानकारी देते हुए बताया कि इस बच्चे को चीनी सेना ने अगवा किया है। 17 साल का यह बच्चा है और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सेना की यह नापाक हरकत, जहां पर इस 17 साल के बच्चे को अगवा किया गया। अपर सियांग जिला, जहां से मेराम तारोंग नाम के इस बच्चे को अगवा किया गया और सांसद तापिर गाओ ने केंद्र सरकार से इसके बाद इसकी तस्वीर को जारी करते हुए अपील किया कि इसे वापस लाया जाए। तो ये वो ट्वीट है जो यहां के सांसद की तरफ से किया गया है और बच्चे को चीनी सेना के चंगुल से जल्द रिहाई की मांग की गई है। तो इस बच्चे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में चीन लगातार अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देता है। कई बार यहां नाम बदलने की कोशिश करता है, यहां के इलाकों पर अपना दावा करने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसने 17 साल के बच्चे को अगवा कर लिया। एक शर्मनाक हरकत। कांग्रेस के निनोंग इरिंग ने इस पर क्या कुछ कहा, हम आपको सुनाते हैं। हमने सुना है कि एक मेराम तारोंग 17 साल का बच्चा था और उसका दोस्त था जोंगी लाइन, तो ये दोनों जीरो एरिया के, जीरो जो है हमारा जो तूतिंग जो हमारे हेडक्वार्टर है, एडीसी हेडक्वार्टर, उसके जस्ट बगल में ही है और सियांग नदी के जस्ट उस पार। तो अभी हम सुना है कि ये जो पीएलए लोग थे उनको हमारे अरुणाचल एरिया में सिंगला लुंगता जोर एरिया में आके उन्होंने वो लड़का को वो हड़प लिया है। और हमने सुना है कि ये जो वहाँ के जिला परिषद मेंबर है पेमा लेप्ची ने उनको एक फेसबुक में देखा और उसी फेसबुक से मैंने देखा कि हमारे जो ये लड़का है उनको किडनैप किया गया है। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है कि हमारे अरुणाचल में अभी भी चीन के लोग घुसपैठी कर रहे हैं। अरी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।